पता नहीं यहाँ से मजिस्ट्रिक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। लगेज सारा जो है ना हम लोगों ने गाड़ी में रख लिया, दो बैग ऊपर रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अभी है ना हमारा सफर शुरू हो रहा है अपने गांव का। बेंगलुरु में आया था मैं, दो दिन हो गए बेंगलुरु को आए हुए और अभी मैं निकल रहा हूँ गाँव के लिए और पैकिंग यहाँ से शुरू हो गई है। और मैं वहां से सऊदी से ना कार्टून लेके आया था, अभी देखीजिए यहाँ से बैग लेके जा रहा हूँ। और ये बैग जो है मैंने पहले ही वहां से सेंड कर दिया था, यही बैग अभी लेके जा रहा हूँ। और अभी मैंने ओला बुक किया हुआ है, ओला अभी आ रही है रास्ते में, अभी 3 मिनट में ओला आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से सफर हम शुरू करते हैं अपने गाँव का। और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 1:50 हो रहे हैं और देखते हैं कि अपने गाँव पर हम कब पहुंचेंगे। और मेरा गाँव जो है यहाँ से लगभग 280 किलोमीटर है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है अपने गांव तक एंड होएगी। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बैग सारा है ना लेके आ चुका हूँ और गाड़ी देखिए, और गाड़ी देखिए वहां पे रुकी हुई है। तो अभी ये सारा सामान है ना जाके नीचे उतार देते हैं। अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और लगेज सारा जो है ना हम लोगों ने गाड़ी में रख लिया। दो बैग ऊपर रखे हुए हैं और एक बैग जो है गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। और आपके भाभी का इंतजार है, अभी तक वो नीचे उतरे नहीं है। जैसे वो नीचे उतरेंगे इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग सफर आगे का शुरू कर लेंगे। अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी टाइम है ना बराबर 2 बज रहे हैं और पता नहीं यहाँ से मजिस्ट्रिक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। एक टाइम और यहाँ पे ड्राइवर साहब बोल रहे हैं 40 मिनट लगेगा मजिस्ट्रिक पहुँचने के लिए। तो लगभग यानी अभी 2 बज रहे हैं, तो वहाँ पे जाके हम लोग बस पकड़ने तक है ना लगभग हो जाएंगे कितने 3 बजे, फिर पता नहीं। हाँ 3-3:30 बजे लगेंगे, नहीं 3 बजे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद वहाँ से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ने के बाद गाँव पे पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे, क्योंकि 280 किलोमीटर यहाँ से जाना रहेगा। ये रहे हमारे ड्राइवर साहब जो अभी हमारे को लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने ओला में बुक किया हुआ था और सामने देखिए ट्रैफिक कितनी है। और ये सारी ट्रैफिक है ना यहाँ पे बेंगलुरु में ना बहुत मुश्किल होती है ट्रैफिक में। फ्रेंड्स गाड़ी में जैसे बैठे जैन ने बोला है कि पानी चाहिए बोल के, तो अभी है ना 2 बोतल पानी ले लिया दुकान से, वापस अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। गाड़ी में मैं पानी लेके आया, तो जैन बोल रहा था इसको है ना ठंडा पानी चाहिए। मैं है ना नॉर्मल पानी लेके आया हूँ और उसको ठंडा पानी चाहिए। मैं बोला ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि है ना गला खराब होता है ठंडे पानी से। और जया हाय बोलो। हाय कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ जैन कहाँ जा रहे हैं? हाँ कहाँ जा रहे बोलो। अब्बा के गाँव, अब्बा के गाँव को जा रहे हैं। हम लोग मजिस्ट्रिक के लिए निकले हैं और देखिए बरसात चालू हो गई है। और दो बैग जो है हम लोगों ने ऊपर रखा हुआ है, पता नहीं उसमें पानी जाएगा नहीं जाएगा। और बहुत सारा कपड़ा है उसमें, अगर गीला हो जाएगा तो ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बरसात जो है अच्छा खासा बरसात पड़ रहा है देखिए। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग मजिस्ट्रिक पहुंच चुके हैं और ये रहा बस स्टॉप, ठीक है। और मेरा लगेज में है ना पूरा पानी भरा है या नहीं भरा है पता नहीं, ऊपर ही थे सूटकेस। तो चलिए अभी जाके बस में देखते हैं कि कौन सा बस में जाना है, वहां जाने के बाद पता चलेगा। मेरे पास जैन जोया और एक हैंड कैरी थी जो मैं है इसमें डाल लिया हूँ गले में, इस वजह से मैंने है ना कूली को ये किया हुआ है, हायर किया हुआ है। ये देखिए अपना लगेज लेके जा रहा है ये, क्योंकि मेरे से ना अकेले से नहीं हो सकता था। और अगर इस बस में जाऊंगा, ये भी शिमोगा की बस है, अगर इस बस में जाऊंगा ना तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा और जाने में, और अपना जो हालत है ना वो टाइट हो जाएगा। इस वजह से है ना ये रही वॉल्वो, तो इसी में जाने के लिए हम लोग अभी आए हुए। फ्रेंड्स ये रही वॉल्वो और अपना लगेज जो है यहाँ पे अंदर डाल रहे हैं अभी। सारा लगेज जो है बस में रख दिया अभी, और वहाँ पे पेमेंट करने के लिए उन्होंने बोला है कि कैश देने के लिए, और उनके पास ना स्कैनर है ना कार्ड ये इस्तेमाल हो सकता है, तो बोल रहे थे कि कैश चाहिए बोल के। तो ये रहा एटीएम, तो यहाँ से कैश निकालने के लिए आया हुआ हूँ अभी।
तो यहाँ से कैश निकालते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। और कितने का एक टिकट है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी बस का टिकट जो है मैंने ले लिया है और खाना खाने का टाइम नहीं है, बोला कि 8 मिनट में अब बस निकल जाएगी, ठीक है। इस वजह से ना मैं खाने के लिए होटल नहीं गया। अभी यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा बहुत है ना कुछ ले लेंगे, बिस्किट वगैरह। अभी यहाँ पे दुकान को आया हूँ, देखिए इस दुकान को आया हुआ हूँ, और यहाँ से कुछ छोटा मोटा ले लेते हैं, लेने के बाद जाकर बस में बैठ जाते हैं और जहाँ भी रुकेगा वहाँ पे जाके खाना रहेगा। दुकान से सारा सामान अभी ले लिया है, देखिए जैन पकड़ कर है और आपके भाभी के हाथ में पानी का बॉटल, और यहाँ से अभी जा रहे हैं हम लोग इस बस में। तो चलिए अभी बस के अंदर बैठने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि खाना अभी खा नहीं सकते, इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ ले लिया है, और क्या क्या लिया हुआ है बस में बैठने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। बस में आके बैठ गए, और जैसे बस में आके बैठे ना, ये देखिए जैन जो है बिस्किट पकड़ के बैठा हुआ है यहाँ पे और केला आके छिलके खा रहा है, और घर से जो है ना इनके नानी जो है जोया के वास्ते और जैन के वास्ते खाना देके भेजे थे, वही खिला रहे हैं अभी जोया को। अभी बस को चालू होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह बस यहाँ से फिर निकलना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, सभी है ना होटल के पास खाने के लिए रुके हुए हैं बस, और कौन सा होटल है यहाँ पे, रेस्टोरेंट का नाम है कामात, कामात बोल के है ये कामात होटल, कामात रेस्टोरेंट, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं कि क्या लेना है, एक मिनट में अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लेना है, आप लोगों को जाने के बाद दिखाते हैं। और सीट वॉल्वो, और इसकी टिकट जो है कितने की है मैं आपको दिखाता हूँ, देखीजिए एक मिनट बेटो, ये देखिए वॉल्वो बस की टिकट जो है शिमोगा के लिए 600 रुपए की है, और सीट माशाल्लाह बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है भाई। आपके भाभी और मैं बैठा हुआ हूँ, इतना टाइट हो रहा है बैठने के लिए पूछिए मत, इतनी तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा भी कंफर्टेबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर जल्दी से, यहाँ पे जो कुछ खाना है खाने के बाद जल्दी बस में आ जाते हैं, क्योंकि बस वाले ने दिए हमारे वास्ते सिर्फ 15 मिनट, और 15 मिनट में हम लोगों को खा के वापस भी आना रहेगा। हाँ जोया, जैन बोल रहा है उठा लो बोल के, क्योंकि मैं जोया को यहाँ पे उठा लिया हूँ, और जैन बोल रहा है कि जैन को उठा लो बोल के। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी है आप लोगों को होटल के अंदर जाने के बाद दिखाते हैं, ठीक है, ओके ओके। अभी हम लोग होटल के अंदर आ गए और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। हम लोग होटल के अंदर आने के बाद है ना, हम लोगों ने ऑर्डर दिया है मसाला डोसा। क्या ऑर्डर दिया है? मसाला डोसा, बोलो, मसाला डोसा ऑर्डर दिया हुआ है, और मसाला डोसा आने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी अभी है ना हम लोग कॉफ़ी लेके आए हुए हैं, और देखिए बस अभी रेडी है जाने के लिए। बस के ड्राइवर है ना बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, अभी है ना कॉफ़ी है ना मैं पेपर गिलास में लेके आया, नहीं तो मैं वहीं पे पीने वाला था, लेकिन ये जल्दी हॉर्न बजा रहे थे, बोल के इस गिलास में लेके आके पी रहा हूँ। और अभी एक आदमी आना बाकी है, वो आ जाएगा तो यहाँ से बस आगे बढ़ेगा। सीट है ना इतनी नज़दीक नज़दीक है, देखिए बैठने के लिए ना उतनी कम्फर्टेबल नहीं है, यही प्रॉब्लम हो रहा है बस। फ्रेंड्स, सभी है ना रास्ते में बस को वापस रोके हुए हैं, जिस होटल पे हम लोग रुके हुए थे ना वहाँ पे एक आदमी है ना बस पे चढ़ा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बस को रोक के अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी पता नहीं कौन है भाई, ड्राइवर साहब है ना
वहीं पे रोकने के बाद बोले थे कि 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी बस, लेकिन अभी भी परेशान है, सब लोग परेशान है। ये देखिए सब लोग यहाँ पे परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी कि एक आदमी मिस हो गया। ये है हमारे ड्राइवर साहब, और एक आदमी नहीं आया है तो उसको फ़ोन कर बुला रहे हैं। पता नहीं वो कौन से रोड पे जा रहा है, बेंगलोर के रोड पे जा रहा है या शिमोगा के रोड पे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी लगभग है ना, यहाँ से तकरीबन हम लोगों को 5-10 मिनट अगर यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि लगभग है ना 10-15 किलोमीटर हमारे वेस्ट हो रहे हैं सीधे। देखिए जी, वो आदमी आया नहीं है, उसका बैग यहाँ पे है और वो पूछ रहे हैं कि आपका बैग कौन सा है, वो शायद छोड़ के जाएंगे, क्योंकि है ना ऑलरेडी लेट हो चुका है। कम से कम 10 मिनट यहाँ पे वेट किया हम लोग और अभी भी आया नहीं है। और वो जो रोड जो है ना, कौन से रोड पे गया है, हम शिमोगा तरफ जा रहे हैं, वो बेंगलोर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसी वजह से वो लगेज पूछ रहे हैं, अगर उनका लगेज यहाँ पे मिल गया तो वो आगे बढ़ाएंगे भाई गाड़ी, यहाँ से उसका वेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ रही है गाड़ी अभी। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग शिमोगा के बस स्टैंड पर आके पहुंच गए हैं और ये सारा लगेज अभी यहाँ से उतार रहे हैं, तो अभी लगेज उतार देते हैं। लगेज उतारने के बाद हमारे जीजू को कॉल किया, वो कार लेके आ रहे हैं। कार लेके आने के बाद इंशाल्लाह वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सी कार में लगेज लेके जा रहे हैं। बोलिए, हमारे आ गए जीजू और यहाँ ये सूटकेस हम पूरे, हाँ ये देखिए, ये रहे 3 लगेज हमारे और जीजू का सीट लेके जा रहे हैं। एक बैग मेरे को लेके जाना है, जीजू 2 बैग लेके जा रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, सारा सामान अभी जीजू जो है डिक्की में डाल रहे हैं, तो चलिए अभी आप लोगों से मुलाकात होगी सीधा अपने घर पर। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग आके पहुंच गए अपने घर पर, और ये रहा भाई गरीब खाना। और ये जो गरीब खाना है, सुबह में आप लोगों को बताऊंगा, तो चलिए अभी घर के अंदर चलते हैं, पहले सामान उतार देते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग घर के अंदर आके पहुंच गए और घर की हालत देख लीजिए, पूरा टूटा फूटा हुआ है। और ये जो मेरे वीडियो की जो है पूरी आवाज़ जो है पूरी म्यूट हो चुकी थी, इस वजह से मैं यहाँ पे वॉइस दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह इस घर की जो है पूरा एक ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा।